तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुस्कोप से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी मौजूद हूँ हरिद्वार में, और हरिद्वार में आप सभी को बता दूँ बहुत सारे वीडियोज मेरे यहाँ के आ रहे हैं और चैनल पर पड़े हुए हैं, जाके आप लोग विजिट करके देख सकते हो। और इस वीडियो का जैसे कि आप लोगों का थंबनेल और टाइटल देख रखा है, मैं अभी दिखाने वाला हूँ बस स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, हरिद्वार का बस स्टैंड दिखाने वाला हूँ, कहाँ पर मौजूद है और कहाँ कहाँ के लिए वहाँ बसें आप लोग देख सकते हो, कैसे बस के थ्रू आप लोग आ सकते हो, कहाँ के लिए बस पकड़ सकते हो। काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई है। पीछे जस्ट मेरे ये रेलवे स्टेशन है, आप लोग देख लीजिए, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन हरिद्वार का है। और जस्ट इसके सामने ही आप लोग निकलोगे तो यहाँ पे है बस स्टैंड। रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही है उत्तराखंड परिवहन निगम बस स्टेशन हरिद्वार। तो यहाँ पे देखिए बस स्टैंड का जो एंट्री गेट है, अभी हम चलेंगे, आप लोग को बैक कैमरे से पूरा जो है अंदर का व्यू दिखाएंगे और कहाँ कहाँ के लिए बसें वहाँ के लिए मिलती हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बैक कैमरे को जल्दी से ऑन कर लेते हैं क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं हूँ बाहर की तरफ रेलवे स्टेशन के सामने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए उत्तराखंड परिवहन निगम। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तराखंड परिवहन निगम का जो है बस स्टेशन हरिद्वार, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आगमन का गेट है, यानी कि एंट्री गेट है बसों का, और एग्जिट गेट भी हम दिखाएंगे। एंट्री गेट से शुरू करेंगे, एग्जिट गेट तक आप लोग को लेके चलेंगे और यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि कहाँ कहाँ के लिए आपको जो है बसें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ये हरिद्वार का बस स्टैंड है और इस समय सावन का पावन महीना चल रहा है, और सावन के पावन महीने में जो है लोग यहाँ पे बस से भी आ रहे हैं ट्रेवल करके, ठीक है, हरिद्वार में गंगा स्नान करने, कांवड़ भरने, और ट्रेन से भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पंजाब की एक ट्रेन खड़ी है, इससे इसकी जो है स्टेट ट्रांसपोर्ट नीचे देखिए लिखा हुआ पंजाब, ठीक है, क्योंकि इस पर जो पंजाबी में लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो, पंजाब रोडवेज भी इसके ऊपर लिखा था। और यहाँ पे आप लोग को पानी मिल जाएगा, ख़रीद के मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा। टॉयलेट भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और ये बनबसा जाने वाली बस यहाँ पे खड़ी है, देखिए उत्तराखंड परिवहन निगम उत्तराखंड की बसें आप लोग देखिए, बनबसा और टनकपुर जा रही है ये, ठीक है। ये देखिए उत्तराखंड की इस तरीके की बसें होती है, यूपी की जो है बसों से बिल्कुल अलग हटके होती हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कई बार इनको पहाड़ों पर भी जाना पड़ता है, पहाड़ी इलाकों में, तो बसों की बनावट कुछ इस तरीके से होती है। और यहाँ से एंट्री थी जहाँ से अभी हम एंट्री कर चुके हैं, और एक बस आ रही है तो मुझे यहाँ रास्ता जो है खाली करना पड़ेगा। उसके लिए सामने आप लोग देखोगे तो राजस्थान परिवहन निगम की भी बसें खड़ी हुई है, यानी कि हर स्टेट से लगभग यहाँ हरिद्वार में बसें आती हैं, जहाँ जहाँ से आप लोग आ सकते हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, बसें यहाँ पर हर जगह की आती हैं, ठीक है, दिल्ली से भी आती हैं। तो अभी आगे चलेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ की बसें अभी यहाँ पे मौजूद हैं, खड़ी हैं, और आपको इसी को देख के लग जाएगा अंदाज़ा कि कहाँ कहाँ से हम लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं इधर की साइड कुछ सारी बसें खड़ी हुई हैं, एक लाइन से खड़ी हुई हैं, और ये है पठानकोट, ठीक है, जाने वाली गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, आप लोगों ने देखा वो पठानकोट जा रही है, और उधर उत्तराखंड परिवहन निगम खड़ी है, उत्तराखंड की जो है रोडवेज खड़ी हुई है, जो कि अभी हम मौजूद हैं वहाँ पर। तो ज़्यादातर वहीं की मिलेंगी आप लोग को, बाहर की आती जाती रहती हैं बसें। यहाँ पे कौन सी खड़ी है, हरिद्वार धर्मशाला चंडीगढ़ के लिए खड़ी है, और ये खड़ी है हरिद्वार बनबसा, है ना। और ये देखिए निकल गई पंजाब वाली। यहाँ पे देखो और भी बहुत सारी बसें खड़ी हैं, आगे चल के दिखाते हैं कौन कौन सी कहाँ कहाँ के लिए जाती हैं। आप लोग देखिए काफ़ी यात्री आते हैं, बरसात का सीज़न चल रहा है इस समय, और हरिद्वार में डेली बारिश हो रही, डेली बारिश हो रही है, और अभी बारिश बंद हुई है तो जल्दी से हम वीडियो बनाने आ गए, इसलिए हमको बाद में बारिश ओवर करना पड़ा क्योंकि माइक वाइक हमें अंदर रखनी पड़ी है। यहाँ से चलते हैं, एक नज़र हम इसके बस स्टैंड पे भी डाल लेते हैं कि किस तरीके का बस स्टैंड यहाँ पर है मौजूद, जहाँ पे हमको जो है गंदगी तो काफ़ी दिखाई पड़ रही है। इधर उधर आप लोग देख सकते हो कूड़ादान है, उसके बावजूद भी कितना पोस्टर वगैरह लगा हुआ है, और नीचे पान पुड़िया खा के भी थूका हुआ है लोगों ने। और बस स्टैंड की हालत कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर देखिए हरिद्वार रुपैडिया की गाड़ी खड़ी हुई है, रुपैडिया वगैरह आप लोग जा सकते हो यहाँ से, है ना। रुद्रपुर डिपो खड़ी है यहाँ पे, रुद्रपुर जा सकते हो। तो बहुत सारी जगहों के लिए बसें यहाँ पे अवेलेबल हैं, पर बस स्टैंड की जो हालत देख के लग रहा है हरिद्वार जैसी तो वो नहीं है। यहाँ पे पूछताछ केंद्र बना हुआ है, लोग जो है इंक्वायरी कर भी रहे हैं, तो आप लोग भी अगर इंक्वायरी करना है तो इंक्वायरी सेंटर यहाँ पर बना हुआ है, और सामने ही टॉयलेट भी मौजूद है। आप लोग बाहर ना करके इसका इस्तेमाल करें, 2-5, 4-5 रुपये दे के। सिटिंग एरिया काफ़ी है यहाँ पे, और बेंच वगैरह भी बनाई गई हैं यात्रियों के बैठने के लिए, ठीक है, परमानेंटली बनाई गई हैं। देखिए सीट जो है वो पत्थर की बनाई गई हैं ताकि टूट फूट ज़्यादा ना हो पाए। लोग ज़मीन में भी लेटे बैठे हैं अपना, क्योंकि काफ़ी एरिया यहाँ पर है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लोग ज़मीन में भी बैठ लेते हैं।
ठीक है, तो थोड़ी सी यही कहेंगे कि इसका डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऊपर देखिए उत्तराखंड परिवहन निगम की जो है बस समय सारिणी लिखी हुई है, लेकिन इसका ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं बसों पे है, बसें अपने टाइम से आती जाती हैं जिस समय उनको आना जाना होता है। देखिए बात है कभी ट्रैफिक में फंस जाए कभी क्या हो जाए तो समय सारिणी का कोई मतलब नहीं बनता है, या तो सीधे बसें ट्रेन के जैसे होती हैं, ट्रेन भी लेट हो जाती हैं आप सभी को पता है। और यहाँ पर देखिए आरक्षण बुकिंग केंद्र है उत्तराखंड परिवहन निगम हरिद्वार, यहाँ पर काउंटर तो अभी खाली है, कोई दिख नहीं रहा है हमको अंदर भी, और लोग काफ़ी बैठे हुए हैं, तो यानी कि लोग बस से भी बहुत ट्रेवल कर रहे हैं इस सावन के महीने में, वैसे भी करते रहते हैं। और यहाँ से आप लोग जो है देहरादून है ना और अन्य अन्य जगहों पे केदारनाथ इधर के लिए भी आप लोग जा सकते हो, और सोनभद्र वगैरह इधर से जा सकते हो आप लोग है ना। यहाँ पे हरियाणा फतेहाबाद शक्ति खड़ी है गाड़ी है ना, अभी मेरे को यहाँ पर एक लखनऊ की गाड़ी दिखी थी, मैं अभी आपको दिखवाऊँगा पेहवा करनाल कैथल, देखिए यहाँ पे ऊपर बाकायदा नाम लिख के आता है कि कहाँ कहाँ के लिए जा रही है। ये देखिए कैसरबाग डिपो खड़ी है, तो हरिद्वार में हमें लखनऊ की भी गाड़ी देखने को मिल गई है, यानी कि कैसरबाग डिपो से सीधा आप लोग जो है हरिद्वार आ सकते हो और हरिद्वार से सीधा लखनऊ आप लोग जा सकते हो। उत्तराखंड परिवहन इस पर लिखा हुआ है, वो खड़ी अपनी आगरा फोर्ट डिपो यानी कि आगरा फोर्ट बस स्टैंड है वहाँ तक आपको लेके जाएगी, यानी कि ठीक है यार, मतलब हरिद्वार से आगरा भी जा रहे हो लखनऊ भी जा रहे हो सीधा आप लोग को यहाँ पर मिल जा रही है। यहाँ पर आप लोग को इंदिरा अम्मा भोजनालय देखने को मिलेगा, मात्र 20 रुपये में थाली आपको देखने को मिलेगी, खाने को मिलेगी, यानी कि 20 रुपये आप लोग दीजिए और भरपेट 4 रोटी चावल दाल सब्जी, यानी कि इतना काम मतलब एक आदमी के भरपेट खाना हो जाता है, उतना आपको 20 रुपये में देखने को मिल जाएगी, जो कि नॉर्मली बाहर से अगर आप लोग खाते हो 70-80 रुपये का खाना इतना मिलता है, 80 रुपये का मिलता है, वो अभी हरिद्वार में तो नहीं मिलेगा फिलहाल 80 रुपये में, क्योंकि हमने यहाँ पे देखे हैं 2 छोले भटूरे ही मिल रहे हैं 90 रुपये के और 4 पूड़ी सब्जी मिल रही है 100 रुपये की, तो इतना खाना 20 रुपये में मिल रहा है तो बहुत बड़ी ये गरीबों के लिए हेल्प है। यहाँ पर आगरा डिपो देखिए खड़ी हुई, आगरा फोर्ट डिपो है ना, उधर अपनी लखनऊ वाली खड़ी है, और धीरे धीरे करके ये देखिए लोहिया खड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश परिवहन की है लोहिया ग्रामीण सेवा, गांव-गांव से होकर निकलती है, ठीक है, और उत्तराखंड परिवहन भी खड़ी है। यहाँ पे देखिए दिल्ली कहाँ कहाँ के लिए देख रहे हैं, अभी मेरठ डिपो है ये, दिल्ली उल्ली भी जाती है मेरठ होते हुए, ये अभी आ गए हम एंट्री एग्ज़िट गेट के पास में है ना। ये देखिए काशीपुर डिपो खड़ी है, काशीपुर जाने वाली गाड़ी यहाँ पर है, आप लोग इसको भी काशीपुर जा सकते हो। सहारनपुर डिपो भी यहाँ पर खड़ी हुई है, ये देखिए आप सभी को दिखा रहे हैं बाहर कौन कौन सी गाड़ियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, थोड़ा सा बाहर चलेंगे बाहर से भी आप लोग को दिखाएंगे। ये देखिए कुछ बस स्टैंड है, उत्तर प्रदेश परिवहन उधर खड़ी हुई है ना, आप लोग देखिए लोनी डिपो खड़ी हुई है वहाँ पे, भाई लोनी डिपो मेरे को तो नहीं पता कि लोनी कहाँ पर पड़ता है, पर उत्तर प्रदेश परिवहन की वो गाड़ी है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता होगा है ना। तो अभी देखिए हम लोग एग्ज़िट द्वार के पास आ चुके हैं, यहाँ पर मौसम देखिए कितना सुहावना बना हुआ है ना, और ये रहा प्रस्थान का गेट उत्तराखंड परिवहन निगम, जी हाँ बस स्टेशन हरिद्वार, भैया ऐसे देखेंगे जैसे पहले कभी देखा नहीं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।